नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है। रावण मारीच के पास पहुंचा, मारीच से मदद मांग रहा है, लेकिन मारीच जो है वो रावण के सामने न सिर्फ राम के कौशल्य पराक्रम और सौंदर्य का गुणगान करता है, साथ ही रावण को चेतावनी भी देता है कि अगर आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं, अगर आप सुख शांति पूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको राम से बैर नहीं लेना चाहिए। इस संदर्भ में वो अपनी आप बीती सुनाता है। यहां तक कि अभी इस दंडकारण्य में आने के बाद भी उसने राम के साथ जो कोशिश की और उसका परिणाम जो उसके सामने आया कि अब उसको सर्वत्र राम ही दिखाई देते हैं। उसने यहां तक कहा कि र अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उसमें भी मुझे राम दिखाई देते हैं, यानी रावण में भी कहीं राम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से मारीच ने कहने के बाद रावण से कहा, कुरु यत्ते क्षमम तत्त्वम अहम त्वाम नानुयामिह। आपको जो करना है आप करो, मैं आपके साथ आने वाला नहीं हूं। आप जो मुझे अपना सहायक बनाना चाह रहे हो, मैं आपका सहायक नहीं बन सकता हूं। आपको जो करना आप वो करो जाके। रामस्य ही महातेजो महासत्वो महाबलः, क्योंकि राम जो हैं वो महान तेजस्वी, महान सत्ववान, महान बलवान हैं। अपि राक्षस लोकस्य ना भवेद अंत को हिसा, यदि सूर्पणखा है तो जनस्यानगतः खरा। भई आप सूर्पणखा और खर का बदला लेने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो अपि राक्षस लोकस्य भवेद अंत को हिसा कि वो समस्त राक्षस कुल का अंत करने वाले बन जाए। भाई समझदार व्यक्ति वो होता है कि अगर आधा चला गया है तो संपूर्ण जाने का भय हो तो आधे को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि उस आधे को बचाने के चक्कर में अपना सब कुछ चला जाए। तो ये जो हो चुका है उसके बदले के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण राक्षस कुल का संहार हो जाए। अतिवृत्तो हतः पूर्वम रामेणा क्लिष्ट कर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वम को रामस्य व्यतिक्रमा। अरे भाई, जिस प्रकार से राम ने इन सब लोगों को मार दिया है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 3 घड़ी का समय लगा, जिसका मतलब होता 72 मिनट में 14,000 राक्षसों का अगर कोई संहार कर सकता है, हैं? इतने समय तो आज का कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, कोई बहुत बड़ी तोप हो, तो भी 14,000 लोगों को एक साथ इतनी देर में विनाश करना बड़ा टेढ़ा काम है। राम ने ऐसे किन्हीं बहुत दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। उल्लेख पाया गया था गांधर्वास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया था, बाकी कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हो, कोई ऐसे विशिष्ट अस्त्रों का प्रयोग किया हो, ऐसा उल्लेख नहीं आया है। पिछली कथा आप सुनिए। लेकिन जो शक्ति होती है, जो पराक्रम होता है, जो कौशल्य होता है, उससे राम ने ये सारे काम किए हैं। और उसी बात को मारीच जब रावण से कहता है, लेकिन रावण समझ जाए तो रावण नहीं है। मारीचेन तु तद्वाक्यम क्षमम युक्तम निशाचरः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इव औषधम। रावण को मारीच ने शिक्षा तो बहुत अच्छी दी। हम देख चुके हैं कि पहले जब मारीच ने कहा था तो रावण अपने आप वापस भी चला गया था, उसको ये बात समझ में आ गई थी। लेकिन जैसा कि कहावत है कि व्यक्ति की मृत्यु आती है तो व्यक्ति को औषधियाँ दवाएँ वगैरह जो हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। आप उनको दवा दोगे कि आप दवा खा, पता चला कि दवा नाली में बहा देंगे और पानी पी के रह जाएंगे, दवा खाएंगे नहीं। क्योंकि मौत जब आ जाती है ना व्यक्ति की, तो व्यक्ति आप न आवे ताई पहीं ताई तहाँ ले जाए उसी प्रकार का वर्तन करने लग जाता, उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे मर्तुकामा जो मरने वाला है उसको इवौषधिम प्रतिजग्राह, जैसे वो औषधि ग्रहण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से रावण को औषधि पूर्ण जो मारीच की ये सलाह थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तम
पथ्यहित वक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत परुषं वाक्यं अयुक्तं कला चोदितः। वो रावण जो है मारीच के सामने उसकी सारी बातें सुनकर के कहता है, यत किलै तद युक्तार्थम मारीच मई कथ्यते वाक्यम निष्फल मत्यर्थम उक्तम बीजे विवो परे। देखो भाई, तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो, जैसे ऊसर जमीन हो, बंजर जमीन हो, उसमें कोई बीज अगर डाल के आ जाता है तो बीज उगा नहीं करता, इसी प्रकार से तुम्हारी कही हुई बातें मेरे सामने बिल्कुल निरर्थक हैं, ऐसा रावण कह रहा है मारीच से। और इसके बाद जो है रावण मारीच से सीधे शब्दों में ये कहता है कि राजा के साथ कैसे बात करनी चाहिए, इसका आपको ख्याल नहीं है? मैं आपका राजा हूं, मैं आपसे अगर प्रेम से व्यवहार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मुझे समझाने लग जाओ। और इस प्रकार से रावण ने मारीच को काम नहीं करवाना है, इसलिए क्रोधित होकर के नहीं, लेकिन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में एक प्रकार से धमकी दी है और ये समझा दिया है कि भाई तुम्हें मेरी बात का अनादर नहीं करना है, तुम्हें मेरी बात के सामने अपना जवाब नहीं देना है, तुम्हें मेरी बात का उत्तर देकर के मुझे समझाने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें मेरी बात का पालन करना है, क्योंकि मैं तुमसे सलाह मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे ये काम करवाने आया हूँ, ये मेरी आज्ञा है, इस आज्ञा का पालन करना, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार जो मारीच रावण से ये कह रहा था कि जब से राम के इस अंतिम दर्शन मैंने किए थे, जिसमें उन्होंने तीन बाण छोड़े जिससे मेरे दो साथी मर गए और मैं तो जैसे तैसे बच गया हूँ, तब से मैं सब कुछ छोड़ करके बड़ा शांतिप्रिय जीवन जी रहा हूँ, उस मारीच से रावण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि क्या करना है, मैं तुमसे पूछने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं उसका पालन तुम्हें करना है। तस्मात् सर्वासु अवस्थासु मान्याः पूज्याश्च पार्थिवा। जो राजा होते हैं वो सभी अवस्थाओं में माननीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। तुम तु धर्मम अभिज्ञाये केवलम मोहमास्थिता। लेकिन तुम हो कि राजा के प्रति आपका क्या धर्म है उसको भूल गए हो और इस प्रकार से मोहपूर्ण आचरण कर रहे हो, मतलब मुझे सामने शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हो। इस प्रकार से कह करके रावण जो है मारीच से कहता है, अभ्यागतम माम दौरात्म्यात परुषम वक्तुम इच्छसि। मैं तुम्हारे यहां मेहमान की तरह आया हूं, मेहमान समझ के, अतिथि समझ के तुम मेरे साथ ये जो परुष जो मुझे प्रिय नहीं है इस प्रकार की अप्रिय वाणी का उपयोग कर रहे हो, जो चाह रहे हो बोल रहे हो और मैं सुनता जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। गुण दोषो न पृच्छामि क्षमं चात्म निराक्षस। क्योंकि मुझे तुमसे काम करवाना है इसलिए मैं उन किन्हीं गुण दोषों पर विचार न करके और तुम्हें क्षमा करके तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सुनु तत्कर्म सहाय यत कार्यम वचनान मम। मेरी आज्ञा से जो कार्य तुम्हें करना मैं तुमसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। सौवर्णस्व मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदु भी। तुम सोने के मृग बनोगे और तुम्हारे ऊपर रजत चांदी की चित्र यानी बूटे जैसे बने होंगे, चांदी के टपके हों जिसके ऊपर, इस प्रकार के सोने के मृग तुम बनोगे। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर। और राम के आश्रम में सीता के सम्मुख जाकर के तुम्हें विचरण करना है, वहां तुम्हें चरते हुए प्रलोभित्वा वैदेहिम यथिष्टम गंतुमर्हसि। और जब सीता का मन बरबर तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो जाए, जब सीता तुम्हारे चर्म की कामना करने लग जाए, फिर तुम यथेच्छसि जहां जाओ वहां जाना। त्वाम तु माया मृगम दृष्ट्वा कांचनम जात विस्मया आनेन मिति क्षिप्रम रामम बक्षसि मैथिली। देखिए ये जो साइकोलॉजी होती है, जो मनोविज्ञान होता है, वो हर व्यक्ति उसको समझता है। मनोविज्ञान विषय अभी 100 वर्षों से प्राचीन नहीं है पढ़ाने के लिए, अभी इसका पठन पाठन शुरू हुआ है, लेकिन मनोविज्ञान तो हमेशा था, जब मन था तो मनोविज्ञान भी था।
तो इस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में महर्षि वाल्मीकि रावण के मुख से ये बात का वर्णन करवाते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी उत्तम वस्तु को देखती है, किसी सुंदर वस्तु को देखती है, तो उसका मन आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकता है, वो भी ऐसी स्थिति में जबकि उसका पति एकदम सक्षम हो। अगर उसका पति सक्षम हो और वो उसके पास हो तो अवश्य ही वो अपने पति से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना व्यक्त करेगी। रावण भी यहाँ कह रहा है, तुम्हारे प्रति आकृष्ट हुई वो सीता क्षिप्रम राम्यम वक्षति मैथिली, राम से वो मैथिली अवश्य ही कहेगी, क्या कहेगी, आने नैम इति, इसको ले आओ मेरे लिए। और जब वो ऐसी आज्ञा करेगी या जब वो ऐसा प्रस्ताव करेगी, अपक्रांते तु काकुत्से दूरम यात्वा व्युदाहर हा सीते लक्ष्मणे तेवं राम वाक्यानुरूपकम्, तुम उन राम को लेकर के आश्रम से दूर चले जाना और वहां जब काफी दूर तुम पहुंच जाओ तब तुम हा सीता हा लक्ष्मण इस प्रकार जैसे राम चिल्ला रहे हो इस प्रकार की आवाज तुम्हें देनी है। और इस प्रकार से जब तुम आवाज दोगे, तच्छ्रुत्वा राम पदवीं सीतया च प्रचोदिता अनुगच्छति संभ्रांता सौमित्र रपि सौहृदा, राम के प्रति अपने प्रेम के कारण और सीता के आग्रह के कारण लक्ष्मण अवश्य ही उस समय राम की तरफ दौड़ेंगे। और जब ऐसा होगा तो वहां ना राम होंगे ना वहां लक्ष्मण होंगे और मैं सीता का अपहरण बड़ी ही आसानी से कर पाऊंगा। अपक्रांते तु काकुत्से लक्ष्मणे च यथा सुगम आनिष्यामि वैदेहिं सहस्राक्ष सचिव, उपमा दी है जैसे सहस्त्राक्ष इंद्र सची को लेकर के आ गया था उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मैं सीता को लेकर के वहां से आ जाऊंगा। रावण ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट, जो उसका कार्यक्रम है, जो उसने प्लानिंग किया है, वो समझा दिया है मारीच से, वो कह दिया है, आप मारीच इस बात का स्वीकार करे तो उसको दिख रहा कि राम के हाथों मृत्यु है, और अगर स्वीकार ना करे तो ऊपर रावण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। गच्छ सौम्य शिवम मार्गम, हे सौम्य जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय बने इस कार्य की सिद्धि के लिए। मारीच से कह रहा है रावण कि आप इस कार्य की सिद्धि के लिए जाओ, मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं, आपका मार्ग कल्याणमय बने और मैं भी अपने रथ पे बैठ करके और तुम्हारा अनुगमन करूंगा, मैं भी वहां आऊंगा, यानी तुम मृग बन के वहां जाओ और मैं भी रथ पे बैठ करके वहां आता हूं। आसाद्यतम जीवित संशयस्ते मृत्यु ध्रुवो यद्य मया विरुद्ध, अंत में रावण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि राम को तुम वहां से छल करके ले जा रहे हो, ऐसे में हो सकता है कि तुम वहां से बच के अपने प्राण बचा के भागो। भाई अभी इससे पहले ही मारीच ने वर्णन किया था कि मैं अपने दो मित्रों के साथ राम के सम्मुख पड़ गया था, लेकिन राम ने जैसे अपने बाण छोड़े तो मैं अपने प्राण बचा के जैसे तैसे भाग आया। यानी एक बार बाण लगा तुम इतनी दूर गिरे आकर के, लेकिन तुम्हारे प्राण बच गए। दोबारा भी जब राम ने बाण छोड़े हैं तब भी तुम अपने शरीर को बचा के वापस आ गए हो, तो यहां अभी भी यह अवकाश है कि तुम जाओ और राम तुम्हारे ऊपर प्रहार करें, लेकिन तुम कुशल हो, तुम अपने प्राणों को बचा सकते हो। मृत्यु ध्रुवो यद्य मया विरुद्धा, लेकिन मेरा विरोध करोगे तो अभी ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यानी राम तो तुम्हें मारेंगे मारेंगे नहीं मारेंगे, तुम बच भी सकते हो, लेकिन अगर मेरी बात का तुमने पालन नहीं किया तो अभी ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एतद् यथावत् प्रतिगृह्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यम कुरु तत्तथा। तो रावण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं अब ये दोनों बातें तुम्हारे पक्ष में है, चाहे तो तुम मेरा कार्य करते हुए राम के हाथों मरो या अपने प्राण बचा लो, लेकिन अगर मेरा कार्य नहीं करते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हें निश्चित मृत्यु चाहिए या संभवतः जिसमें प्राणों की बाजी तो है लेकिन बचने के भी चांस है, तो आपको दो में से जो चाहिए वो आप पसंद कर लो। इस प्रकार से जब मारीच से कहा है, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपको मैं रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ उन तथ्यों के साथ, उन सत्य कथ्यों के साथ जो महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद, सुनते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।